तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ऑन सेट ए का मतलब होता है जो सेट ए है वो सेट ए है और सेट बी भी सेट ए है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर ए इंटू कार्डिनल नंबर ए या फिर कार्डिनल नंबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए आपकी क्लास 11 के फॉर्मूला, क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। नंबर थ्री, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, कितने रिलेशंस आप सेट ए कर ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव बना सकते हो, 2^n² - n। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे अगर ये पता लगाना हो तो 2^n² - n। नंबर फोर, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ, पहले आप नोट कर लो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनेंगे, इसके लिए आपको यूज करना होगा 2^n² + n/2। इतने रिलेशन सिमेट्रिक बन सकते हैं किसी भी सेट के ऊपर अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं। नंबर फाइव, नंबर ऑफ रिलेशंस रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं एंड सेट में, 2^n² - n/2। और एक और आएगा, पहला भी नोट कर लो, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप उससे पूछोगे ट्रांजिटिव रिलेशंस का फॉर्मूला भी होगा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, ना ही कोई होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता कर सकते हो कितने बन सकते हैं, सिमेट्रिक पता कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अगर दोनों बनाने हैं तो वो भी पता कर सकते हो, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने बनेंगे इसका कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखो, पहला भी नोट कर लो सब लोग, इनमें से क्वेश्चन 1-1 मार्क का कोई पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाता तो आपको आना चाहिए। नंबर वन, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर सेट ए से सेट बी में चाहिए 2^n कार्डिनल नंबर ए, एम आई ऑडिबल? मेरा नेटवर्क अनस्टेबल शो है एक्चुअली। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2^n कार्डिनल नंबर ए इंटू कार्डिनल नंबर बी, एंड नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, ऑन सेट का मतलब एक्स बी एम ए से लेना है वाई बी एम ए से लेना है, तो 2^n कार्डिनल नंबर ए होल स्क्वायर। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं सेट ए के, 2^n² - n। कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं, 2^n² + n/2। कितने रिलेशंस बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होंगे, 2^n² - n/2। अब आप लिखो नेक्स्ट, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। अब आप लिखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, कितने रिलेशंस बनेंगे जो इक्विवेलेंस होंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक मेथड है, मैं आपको सिखाता हूँ। इसका एक मेथड होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बना सकते हो ये कैसे पता चलेंगे। एक्चुअली ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम बेल डायग्राम, फेमस है वैसे तो, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, लेकिन एनसीईआरटी आरडी शर्मा में नहीं मिलेगा। बेल डायग्राम क्या कहता है देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास किसी सेट में खाली एक एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा, बस एक ही रिलेशन बनेगा जो इक्विवेलेंस होगा। अगर आपके सेट में दो एलिमेंट्स है तो देखो क्या करना है आपको, मैंने 1 के नीचे 1 लिखा और उसके आगे 2 लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना पैटर्न। एन इक्वल टू जब 3 आएगा तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 5 लिखा, फिर n इक्वल टू जब 4 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 15 आएगा। आप पहचान पा रहे हो मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लिख रहा हूँ, कोई पैटर्न पकड़ पा रहा है इसमें क्या चल रहा हो? देखो ध्यान से, एक पैटर्न है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ,
एन इक्वल टू फाइव के लिए भी लिखूंगा, नहीं पता चला। देखो एन इक्वल टू वन है मतलब एक ही एलिमेंट है, तो एक रिलेशन बनेगा जो इक्विवेलेंस होगा, सिर्फ एक बनेगा। अब ये जो लास्ट आंसर मेरा वन है, देखो मैंने वन के नीचे वन कॉपी कर लिया, ये देखो ये वन के नीचे वन कॉपी किया और इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर ये टू लिख दिया, ठीक है। तो वन प्लस वन ये टू आ गया। अच्छा अब ये वाला टू जब एन इक्वल टू थ्री लेंगे तो स्टार्टिंग इसके टू से की गई, देखो ये टू यहाँ पे आ गया, देखो ये इधर आ गया। अब इस वाले वन में टू ऐड करके नेक्स्ट नंबर ये थ्री आ गया, फिर थ्री में ऊपर वाला टू प्लस कर दिया जस्ट इसके ऊपर वाला, तो ये नेक्स्ट नंबर फाइव आ गया। अब नेक्स्ट जब रो की स्टार्टिंग करेंगे, जब एन इक्वल टू फोर आएगा तो स्टार्टिंग होगी हमारी फाइव से, टू में फाइव प्लस कर दिया तो देखो टू में फाइव प्लस करके ये आपका सेवन आ गया, फिर सेवन में ऊपर नंबर थ्री ऐड करके ये टेन आ गया, टेन में ऊपर नंबर फाइव ऐड किया तो ये फिफ्टीन आ गया। अब बताओ जब एन इक्वल टू फाइव वाली रो आएगी तो स्टार्टिंग किस एलिमेंट से होगी, किस नंबर से होगी, फिफ्टीन। अब फिफ्टीन में ऊपर वाला फाइव प्लस करो, ट्वेंटी आ गया, ठीक है। 20 में 7 ऐड करो, 27, 15 ऐड, ये 37, और अब 37, अब नेक्स्ट ऐड करो, 42, 52, राइट। अब ठीक है, ऐसे देखो आप अपना n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8 के लिए आप ऐसे बना सकते हो। अब बात आती है भाई इक्विवेलेंस रिलेशंस का क्वांटिटी कहाँ देखनी है, कौन से रिलेशंस, कितने रिलेशंस हैं जो इक्विवेलेंस है, ये मैंने रफ कर दिए एरोज़ जो लगाए थे, इनकी जरूरत नहीं है। तो पैटर्न सबको सेम है, पहले तो ये बताओ भाई कैसे बन रहा है ये पैटर्न। यस। अच्छा अब देखो हम कैसे लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं, जो लास्ट डिजिट आती है आपकी किसी भी रो की, जो लास्ट डिजिट है, फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू वन के लिए लास्ट डिजिट तो वन ही है, तो अगर एक एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी वन होंगे। अगर आपके सेट में दो एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दो होंगे। तो ये My voice is breaking. Now it's fine. Yes, sir. Okay. तो जब आपके कार्डिनल नंबर मतलब n इज इक्वल्स टू थ्री होगा, जब सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट होंगे तो इस रो की जो लास्ट डिजिट आई है वो फाइव आई है, तो उसमें पांच इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही जब n इक्वल टू फोर मतलब फोर एलिमेंट्स होंगे तो उसमें पंद्रह इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। अगर n इक्वल टू फाइव होगा तो उस केस में आप 52 इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो मेरे को नहीं पता ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मेरे को बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया, ये मिस हो गया था हमारा, ठीक है। तो आपके पास हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला हो गया, आपके पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हो गया, आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ अगर है तो ये हो गया, आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का बेल डायग्राम हो गया। और मैं तो कहता हूँ देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको सेट ए दिया, ठीक है, आप देखो मैंने कहा एक रिलेशन बनाओ जो इक्विवेलेंस होना चाहिए, आपने कहा ठीक है इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो आपने ले लिया एक वन वन, एक वन टू, सॉरी एक टू टू, बताओ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, आई मीन टू से ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना, क्या ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। अब चलो एक और बनाता हूँ, देखो मैं वन वन टू टू, वन टू टू वन, अब बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, दूसरा रिलेशन जो बनाया मैंने, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्या सिमेट्रिक है, देखो यस सर, यस वन टू का टू वन आ रहा है, सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव भी है, यस सर, ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी कैसे रिलेशन हुआ, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस हुआ। इसके अलावा कोई रिलेशन बना सकते हो जो इक्विवेलेंस होगा, एलिमेंट्स आपको वन और टू यूज करने हैं, इसके अलावा यूज नहीं करने भाई, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, है ना, दो बन सकते हैं, देखो एक तो आपने वन वन टू टू ले लिया, ये इक्विवेलेंस हो गया, एक बार आपने वन वन टू टू के साथ वन टू टू वन भी डाल दिया तो ये फिर से इक्विवेलेंस हो गया। तो अब देखो यही था, अगर एन इक्वल टू टू होगा तो मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, दो बनाए जा सकते हैं, देखो दो हमने बना के दिखा दी दिया,
और ऐसे अगर आप थ्री एलिमेंट्स ले लोगे ना, 1, 2, 3 ले लोगे, तो आप टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। नहीं समझे? ओके सर, यस आई अंडरस्टैंड, क्लियर सर। ठीक है, अब आप मेरे को एक क्वेश्चन लिख लो, करके दिखा दो, 1 मार्क के लिए होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी मेड, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, can be made on the set A is equals to 1, 2, 3। एक सेट मैंने आपको दे दिया है, बस आप मुझे बता दो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं, बनाने नहीं है, बस बता दो कितने बन सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप? 5। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? सर 5। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो तो बताओ। दिख रहा है 3 है तो 3^9 - 3 - 2^6 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। 64 रिलेशंस ऐसे बन सकते हैं जो सबके सब रिफ्लेक्सिव होंगे। अच्छा, एक और कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। आयुष बेटा, आपने एक लेट ज्वाइन किया, आपने ये नोट कर लो, मैं एक बार आपको ये वाली स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली रिलेशंस का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, इसमें से ना एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्वेश्चन आपको बताऊं, मैं बोर्ड में पूछा हुआ है, और जबकि कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, और बाकी थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। हाँ, ये पूछते, ये तो कॉमन है, ये तो पूछते रहते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। आयुष, इसके बाद ये बताया था मैंने बेल डायग्राम, एक बार चलो फिर से समझाया था बेल डायग्राम, फिर से आप सब लोग फटाफट से समझ लो। बेल डायग्राम हम यूज करते हैं बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि गिवन सेट में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए एक बेल डायग्राम क्यों बोलते हैं, इसकी शेप में एक बेल टाइप आ जाती है, मतलब बस इसमें इसको बेल डायग्राम कहते हैं और कोई रीजन नहीं है। तो अगर n इक्वल टू 1 है आपके सेट में, अगर एक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। अच्छा, अगर आपके सेट में दो एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू 2 है, तो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पता लगेंगे? देखो, 1 के नीचे तो 1 कॉपी कर लिया पहले मैंने, और फिर ये 1 और 1 को प्लस करके नेक्स्ट नंबर 2 लिख दिया। पहले 1 के नीचे 1 कॉपी कर लिया, फिर 1 और 1 को प्लस करके नेक्स्ट नंबर 2 लिख दिया, फिर n इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 एलिमेंट है तो क्या होगा, जो लास्ट नंबर 2 आया था ना, उसको हमने यहाँ से स्टार्टिंग में ले लिया, n इक्वल टू 3 के सामने। देखो, ये 2 ले लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद 1 और 2 को प्लस किया, नेक्स्ट नंबर 3 आ गया। देखो, ये ना 1 और 2 को प्लस करके फिर ऊपर वाले 2 में, ये 3 में ऊपर 2 ऐड कर दिया, तो ये नेक्स्ट नंबर 5 आ गया। अब जब n इक्वल टू 4 वाली रो स्टार्ट होगी, तो आपकी ये रो 5 से स्टार्ट होगी। देखो, ये 5 से स्टार्ट हो गई, फिर 2 और 5 को प्लस करके नेक्स्ट 7 आ गया, 7 में ऊपर वाला 3 प्लस किया तो नेक्स्ट 10 आ गया, 10 में ऊपर वाला 5 प्लस किया तो 15 आ गया। इसी तरह से आप आगे वाली रो कंप्लीट कर सकते हो। n इक्वल टू 5 में देखो, 15 से स्टार्ट करोगे, फिर 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। और जो ये लास्ट फिगर आती है हर रो की, यही आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एलिमेंट, एक सेट है, उसका कार्डिनल नंबर जो है वो 4 है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट हैं, बस मालूम है कि 4 हैं, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? आप देखो, ये रहा, n इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 बनाए जा सकते हैं। तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल्स टू 15। तो बेल डायग्राम है ये बुक्स। हाँ जी बोलो। तो फिर मतलब वो बिगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नहीं बोल सकते हैं बेल डायग्राम? Yes. तो मैं इससे एडवाइस ये करता हूँ बच्चों को, आपने जैसे याद करना है तो आपने ये लास्ट वाली फिगर्स याद कर लो, ताकि बेल डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। अगर n इक्वल टू 4 आता है तो आप 15 याद कर लो,
एन इक्वल टू 3 आता है तो आप 5 याद कर लो, है ना, एन इक्वल टू 5 आता है तो 52 याद कर लो, अदरवाइज ये नॉलेज आपको ऐसे होनी चाहिए कि बना कैसे है, ठीक है। तो सर सिर्फ फर्स्ट 5 इनफ है? बहुत है, बहुत है। देखो मेरे को लग नहीं रहा कि बेल डायग्राम वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको सिखा दिया ये, क्योंकि बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया ये, है ना। अच्छा चलो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं, फंक्शंस पे आते हैं हम, तो ये मैं टर्न कर लेता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिए, एक और पूछने वाला था मैं, नहीं मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, सेकंड क्वेश्चन आप लिख लो, एक और कर लेते हैं बस। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आपको बताने हैं कितने बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, और आपका जो सेट ए है वो मैं आपको दे देता हूँ, सेट ए है 3,4, फटाफट से इसका आंसर बता दो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ओके, फॉर्मूला क्या यूज किया आपने सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए, 2 टू दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2, बस इसमें एन की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा ये 6 अपॉन 2 3, तो 2 क्यूब मींस आपके टोटल 8 रिलेशंस ऐसे बन सकते हैं जो सिमेट्रिक होंगे। अच्छा एक ऐसी बता दो वर्बली, हाउ मेनी टोटल रिलेशंस कैन बी मेड ऑन दिस सेट ए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सेट ए के ऊपर, यस 2 टू दी पावर, इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो 2 स्क्वायर, सो दैट मींस 2 टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 16, टोटल रिलेशन 16 हो सकते हैं, अगर उसमें से पूछेंगे सिमेट्रिक कितने बन सकते हैं तो भाई 8 बन सकते हैं। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन, यस 2 इक्विवेलेंस खाली 2 बनेंगे, करेक्ट। चलो जी हम आगे चलते हैं, ये हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हमारा फंक्शंस कंटिन्यूएशन में आ जाता है। हमने 1-1 समझा था, थ्रू ग्राफ भी समझा था, ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, एल्गोरिथम भी समझा था कैसे निकालना है। अब आता है आपका नेक्स्ट फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या इसको सर्जेक्टिव, हमने 1-1 कर लिया ना, अभी मैं आपको ये ऑन टू और समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन इसके थोड़े से मिक्स करके करेंगे। ये नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है आपका, इसको ऑन टू भी कह देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, या इसको सर्जेक्शन भी कह देते हैं। समझाता हूं मैं आपको, देखो ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, या सर्जेक्टिव फंक्शन को कंबाइंड करके, जैसे ना संधि विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद को वापिस करके बना दिया सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव का सब ले लिया, फंक्शन का क्षण ले लिया, तो सर्जेक्शन हो गया फिर। अच्छा अब क्या होता है, समझो जरा पहले, देखो ये एक सेट ए हो गया मेरे पास, इधर से मेरे पास एक सेट बी हो गया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं सेट ए में, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर भी मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अब मैं आपको हर एलिमेंट की इमेज बता देता हूँ कौन सी किसकी इमेज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए की इमेज 1 है, बी की इमेज भी 1 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 5 है, और एफ की इमेज 4 है, ठीक है। मैंने रैंडम ऐसे ज्वाइन कर दिया, पहले तो आप बताएं क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नो नो सर, ये फंक्शन नहीं है, रीजन दें। रीजन ये है पर्टिकुलर, आपने सही बताया, क्योंकि ई की कोई इमेज नहीं है, अगर ई की कोई इमेज नहीं आ रही है तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हो सकता है। चलो अब बताओ, मैंने ई को इमेज 6 दे दी है, अब बताओ क्या ये फंक्शन हो गया? यस इट इज अ फंक्शन, बिकॉज हमारे फंक्शन की डेफिनेशन कहती है डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो हमने चेक कर लिया भाई ए की इमेज है और क्या है 1 है, ए की इमेज अब 1 के अलावा तो कोई और है नहीं, फिर हमने बी की इमेज देगी, बी की भी इमेज ए की है वो भी 1 है, बी की 1 के अलावा और कोई इमेज नहीं है, ऐसे हमने सबको चेक कर लिया, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। अच्छा फंक्शन तो है, अब ये बताओ ये मैनी वन फंक्शन है या 1-1 फंक्शन है?
many one function. क्यों है many one? Reason दोगे जरा, क्या reason है many one है? So A की भी image one है और B की. Yes, दो different element A और B domain में हैं, दोनों की image one है, जबकि वो दोनों domain आपस में equal नहीं है, तो इसका मतलब ये function many one है. चलो खैर हमें ये तो समझना नहीं है many one, ये तो हमें आता है many one चेक करना, हम बात कर रहे हैं on two की. अच्छा अब आप मेरे को ना इस फंक्शन का जरा कोडोमेन बताओगे, इसका कोडोमेन क्या है? लिखा हुआ है मैंने 1 to 6. यस, कोडोमेन वो होता है जहां से आप रेंज पिक कर रहे हो, तो आपका कोडोमेन है 1 2 3 4 5 6. अब आप मेरे को रेंज बताओगे, कोडोमेन तो आपने बता दिया 1 3 4 5 6. अच्छा आपने कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6 बोला, रेंज में आपने 2 नहीं बोला. क्यों भाई 2 क्यों नहीं बोला रेंज में आपने? Because 2 does not have any pre-image name. Perfect जवाब, क्योंकि 2 किसी की इमेज नहीं बन पाया. हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत साधारण भाषा में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 की कोई प्री इमेज नहीं है. तो देखो बस यही कंडीशन होती है, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं और क्वांटिटी ज्यादा है, करोड़ों में चले गए हैं, अगर उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज नॉट. इस केस में हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, या नॉट ऑन टू के प्लेस पर आप एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो इन टू. आप ये बोल सकते हो एग्जामिनर को, देखो जी हमारा फंक्शन नॉट ऑन टू है, या इसके बदले में आप बोल सकते हो हमारा फंक्शन इन टू है. वो कहेंगे अच्छा क्या रीजन है? आप बोलोगे सिंस हमने देखा है अभी अभी ये जो टू है ये कोडोमेन में तो आ रहा है, देखो ये रहा, बट ये रेंज में नहीं आ रहा है बिकॉज टू हैज नो प्री इमेज, क्योंकि टू की कोई प्री इमेज नहीं है, या इन शॉर्ट कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, रेंज छोटी हो गई कोडोमेन बड़ी हो गई. तो अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया जो रेंज में नहीं आया तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो फंक्शन ऑन टू के बदले में इन टू कहलाया जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया जो वन वन नहीं होते तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैनी वन. इसी तरह से जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उनको आप इन टू बोल सकते हो. तो भाई मुझे आप लोग भी बता दो ये ऑन टू फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी है? बस यही डेफिनेशन है लो, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बता दिया, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ. ये लो अभी टर्न करूंगा दोबारा से मैं, पहले आप लिख लो. तो हम किसी फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे? फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू या सब्जेक्टिव व्हेन, ये कंपलसरी कंडीशन है, व्हेन कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज. बहुत छोटी सी बात आपने जो बताई मैंने वही लिख दी. देखो तो कोई पूछता है भी हमसे ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, तो आप एक ही शब्द बोलो, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो ऑन टू है, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं बन पा रही है तो ऑन टू नहीं है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे छूट गए हैं, शायद एक छूट गया है, दो छूट गए हैं, जिनकी प्री इमेज नहीं है, या अदर लैंग्वेज में बोलना कि भाई ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास कोडोमेन में मिले हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, या वो किसी की इमेज ही नहीं बन पा. बोलो आपको ऑन टू का सही में आया? ऑन टू क्या होता है? यस यस सर. हाँ जी बोलो सर. हाँ बोलो बोलो बेटा. सर अगर कोडोमेन और रेंज के एलिमेंट सेम है और कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी हैं तो तब भी वो ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं बेटा, देखो रेंज कभी भी कोडोमेन से बाहर जा ही नहीं सकती, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है. रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होती है या रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है. अगर सबसेट है, इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, और अगर इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह रहे हैं भी रेंज में 1 3 4 5 6 आ रहे हैं और 7 भी आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है. रेंज में 7 आ ही नहीं सकता क्योंकि वो कोडोमेन में अवेलेबल ही नहीं है. तो हमें रेंज जब भी पकड़नी होती है ना तो हमेशा हम उसके कोडोमेन से पकड़ेंगे रेंज को, हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले ही नहीं सकते उसके अंदर. ओके सर. तो इस बात को ध्यान रखना है सबने, रेंज कभी भी कोडोमेन से बाहर जा ही नहीं सकती क्योंकि रेंज हमेशा कोडोमेन में से ही निकल के आती है.
अच्छा अब आप लोग ये नोट कर लो, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्वेश्चंस पे ये चीज़ अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो बहुत छोटी सी हमने डेफिनेशन बना ली भाई अपने लिए कि फंक्शन ऑन टू तब होगा जब उसकी कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए। अब हम इसका ना एक एल्गोरिथम भी लिख लेते हैं कि हमें एफ एक्स वाले जो फंक्शन आएंगे ना, ये तो एरो डायग्राम है, इसको देख के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। इसमें क्या करना है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भाई, ये आपका जो टू है इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिली, इसमें फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। चलो अब मैं आपको इसका एक एल्गोरिथम बताता हूँ। मैं टर्न कर लूँ पेज अगर आपने नोट कर लिया है ये तो? यस सर। यस सर। अच्छा वन मोर थिंग, जो केपीएस के बच्चे हैं वो पांच वाला सेशन जरूर ज्वाइन करें, और जो केपीएस के बच्चे नहीं है वो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बाय जितिन चावला जस्ट फॉर करियर प्लानिंग, और जितिन चावला मेरे ख्याल से इंडिया के रिनॉन्ड करियर काउंसलर हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत डीप नॉलेज है उनको हर आगे स्ट्रीम की। आप यूट्यूब पे ओपन करेंगे ना तो उसमें आएगा जितिन चावला की, आज लाइव चल रहा होगा वो शो, जरूर अटेंड करना, जरूर बहुत काम आएगा आपको। ये चीज़ें ना देखो आगे जाकर पेड हो जाती हैं, आप जितिन चावला के पास अगर वैसे जाओगे करियर काउंसलिंग के लिए तो फीस बहुत हाई है, और कहीं भी जाते हो करियर काउंसलिंग की फीस काफ़ी हाई होती है, अभी ये फ्री मिल रहा है। सारे कोर्सेज सारी स्ट्रीम्स कोई भी दिमाग में क्वेश्चन होता है ना बहुत अच्छे से जवाब देते हैं वो। यस निशिता, आई सेव द वीडियो, मैंने अपनी क्लासेस ऑफ कर रखी हैं इस चक्कर में क्योंकि उनकी 5 बजे ये है वेबिनार है उनका। चलो अब आप देखिए आपका एल्गोरिथम क्या है इसको चेक करने का, आप क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम फॉर चेकिंग इंजेक्टिविटी, सबसे पहले आप देखेंगे आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा, आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा, आप उसका डोमेन भी चेक कर लेंगे और उसका को डोमेन भी चेक कर लेंगे। ऐसे होता है ना, ए डोमेन होता है, बी आपका को डोमेन होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नंबर वन आप डोमेन में से एक नंबर लेंगे एक्स और उस पर रेंज मान लेंगे वाई के इक्वल आगे, ठीक है। आपने एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दिया। टू, आप यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में, आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन एंड क्या करेंगे उसको सॉल्व करके, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, आप एक्स की वैल्यू को वाई की टर्म्स में निकाल लेंगे। अच्छा चलो निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, चूज, आप एक वैल्यू चूज करेंगे, चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट या आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई जो कोडोमेन में से होगी, क्योंकि देखो वाई आपकी रेंज है और रेंज हमेशा कोडोमेन से होती है, तो आप इसमें वाई की एक ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो सेट बी में से होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू अपने डोमेन को बिलोंग करती होगी, इसको बिलोंग करती होगी, देन फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू अदरवाइज इन टू, अभी आप ये स्टेप्स लिखो, जब मैं क्वेश्चन पे इन स्टेप्स को एक एक करके अप्लाई करूंगा तो आपको सही में आ जाएगा कि ये क्या चीज है, हमने स्टेप्स ही क्यों लिखे हुए हैं, और एक बार जब सही में आ जाएगा तो इन स्टेप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कभी। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पे ही अप्लाई करके बताता हूँ। एवरीबॉडी ठीक है, चलिए अब हम जैसे ना एक फंक्शन की सब्जेक्टिविटी चेक करके देखते हैं जरा। नाउ क्वेश्चन इज, एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका मतलब डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है और को डोमेन भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे चेक करके बताएं ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू तो मैं चेक करूंगा, आप वन वन जरा मुझे बताएं, इंजेक्टिविटी आई मीन टू से इंजेक्टिव है या नहीं।
प्रोसेस सबको आता है इंजेक्टिविटी का? इट इज वन मिनट। एक बार पहले आप इंजेक्टिविटी चेक करके बताओ, आई मीन टू से पता लगाओ ये वन वन फंक्शन है या नहीं है, पहले ये पता लगाओ कहीं मैनी वन तो नहीं है। सर नहीं है, वन वन नहीं है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। एक बार मैं आपको फिर भी एक बार वो प्रोसेस बता देता हूँ। तरीका क्या होता है, एक्स वन कॉमा एक्स क्यू दो डोमेन लेते हैं, किसमें से जो भी सॉरी दो नंबर लेते हैं डोमेन में से, यहाँ आर से, ये दो डिफरेंट नंबर डोमेन से ले लिए। फिर x1 पर रेंज लेते हैं fx1, x2 पर भी रेंज लेते हैं fx2, इनको इक्वल पुट कर देते हैं। x1 पॉइंट पर आपकी रेंज हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस 2 और x2 पॉइंट पर रेंज हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 कैंसिल होने के बाद x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आएगा, तो आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। दैट मीन्स या तो x1 x2 के इक्वल है या फिर x1 माइनस x2 के इक्वल है, दो कंडीशन ऑप्टेन हो गई और होनी चाहिए थी सिर्फ पहली वाली कंडीशन, ये दूसरी भी आ गई लेकिन साथ में बस आपने सर हमने ये किया नहीं है शायद। ये आपने नहीं किया सर, हमने तो इसे लेट करके करा था। यस सर। सर आपने एल्गोरिथम नहीं करवाया था उसको? यस सर। मुझे कुछ लग रहा था। चलो मैं आपको एल्गोरिथम इसी क्वेश्चन पे समझा देता हूँ। देखो जब फंक्शन वन वन नहीं होता है तो आप इस फंक्शन को किसी एग्जाम्पल लेकर भी शो कर सकते हो वन वन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल पहले लेके दिखाता हूँ फिर आपको ये भी समझाता हूँ, ठीक है। मैंने चूज कर लिया इसमें पुट करेंगे माइनस थ्री, एक रियल नंबर है माइनस थ्री, ठीक है। अभी रेंज निकालेंगे माइनस थ्री पे, माइनस थ्री पे रेंज आएगी नाइन प्लस टू इलेवन। फिर हम एक और नंबर चूज करेंगे थ्री, ये भी हमने डोमेन से लिया है, इस पर भी हम रेंज चेक करेंगे, इस पर भी इलेवन आ गई, यही बात खत्म हो जाएगी। आप क्या टीचर को बोल सकते हो, देखो हमारे दोनों डोमेन डिफरेंट है, आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों डोमेन पे जो रेंज है वो सेम है। थ्री पे भी आंसर इलेवन है, माइनस थ्री पे भी इलेवन है, सो देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन। एक तरीका ये होता है किसी एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना, ठीक है। अब दूसरा मेथड समझो, जो एल्गोरिथम मैंने आपको नहीं बताया वो समझो आप। आपने क्या करना है, दो डिफरेंट डोमेन ले लिए एक्स वन एक्स टू, कहाँ से लिए, गिवन डोमेन रियल नंबर से। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स वन पर रेंज जो आएगी और एक्स टू पे जो रेंज आएगी, आई मीन टू से एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रखना है। मान लिया है आपने कि दोनों रेंज आपस में इक्वल हो गई हैं जबकि डोमेन आपके डिफरेंट हैं, तो आपने x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लिख दिया x2 स्क्वायर प्लस 2 के, 2 से 2 कैंसिल होके x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ गई। तो यहां पर दो डोमेन प्लस माइनस, सॉरी ये कैसे किया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 क्यों आई? अच्छा आप ये बताओ, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरी वैल्यू, पहले आप मुझे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। अगर x स्क्वायर 9 होगा तो x की वैल्यूज बताओ जरा क्या क्या होंगी। आपने क्यों लगाया, आपने भी तो लगाया प्लस माइनस थ्री, इसलिए मैंने भी लगाया प्लस माइनस थ्री। रीजन ये होता है, देखो आपको बताता हूँ थोड़ा सा और, अगर बेसिक जानना चाहते हो, जैसे मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप बताओ, तो दो रिलेशनशिप नहीं हो सकते। सोचो आप, या तो एक्स और वाई आपस में इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, दोनों के स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे, या एक्स जो है वो माइनस वाई के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इस केस में भी दोनों का स्क्वायर आपस में इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. और इसको आप और भी समझ सकते हो इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और हम इसके दो फैक्टर्स कर देंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और जब हम दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक बार एक्स माइनस वाई आएगा और एक बार एक्स प्लस वाई आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें सोचने वाली कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो वही हमने भी किया। देखो अगर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर के इक्वल होगा तो x1 या तो x2 होगा या फिर x1 माइनस x2 होगा, और 1-1 फंक्शन की कंडीशन होती है कि सिर्फ और सिर्फ x1 x2 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रेंज आपस में इक्वल है दो डिफरेंट डोमेन पे तो ये प्रूव होना जरूरी है कि वो डोमेन भी आपस में इक्वल है, वो डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी साथ में आ रही है, एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल भी हो सकता है, अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन आती है ना साथ में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1-1, यानी दो डिफरेंट डोमेन पे सेम रेंज आ सकती है। और देखो ऐसा हो भी रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, तो क्या होता है, देखो कुछ बच्चे तो एग्जाम्पल देके मना करते हैं, कहते हैं देखो मैनी वन, कुछ बच्चे इस एल्गोरिथम के थ्रू करके कहते हैं फंक्शन इज नॉट 1-1 या फंक्शन इज मैनी वन। दोनों ही रास्ते ठीक हैं अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो। अगर देखो आपको एग्जाम्पल मिल रहा है कोई जिससे आप शो कर सकते हो 1-1 नहीं है, तो बेटर है एग्जाम्पल देके लिख दो, टीचर को सेटिस्फाई करो एग्जाम्पल देके, देखो जी माइनस थ्री और थ्री दोनों की रेंज सेम आई है। क्या ये एल्गोरिथम क्लियर है सबको, क्या क्या करना है इसमें, ये वाला एल्गोरिथम? यस सर।
ठीक है, अब बात आती है भाई ऑन टू है या नहीं है, ये 1-1 को नहीं निकला, हमने चेक कर लिया है तो मैनी वन निकला है। अब बात आती है ऑन टू की, अब सुनो हमने क्या करना है ऑन टू के लिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, एक्स एक डोमेन ले लेंगे, एक डोमेन बस, वो भी आपके सेट ए में से होगा, मतलब रियल नंबर में से होगा। तो देखो क्या करना है अपने ऑन सर्च एक्टिविटी के लिए, आपने सीधा सीधा लिखना है कि जो एक्स है उस पर जो रेंज एफ एक्स है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज पुट कर लो, रेंज है एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वाई हो गया। देखो मैंने ये लिखा है ना एल्गोरिथम, में एक बार चेक करवाता हूँ, पहले एफ एक्स को वाई रख लिया, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके एक्स को निकालेंगे वाई की टर्म्स में। तो जरा बताओ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई क्या होगी, यहाँ से बताओ जरा एक्स की वैल्यू। प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस टू। परफेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस टू। अब मैंने क्या बोला उसके बाद देखो, यहाँ पे थर्ड स्टेप में आ जाओ, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करनी है वाई की सेट बी में से। ठीक है, और फिर आपको एक्स की वैल्यू चेक करनी है क्या आ रही है, अगर एक्स की वैल्यू अपने डोमेन में से आती है तो इसका मतलब उस वाई की वैल्यू के लिए उसकी कोई ना कोई प्री इमेज मिल गई है। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे वाई की कोई एक ऐसी वैल्यू बता दो सोच कर जिससे ये रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए और मैं ये टीचर को कह सकूँ देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। कोई ऐसी वैल्यू, बिल्कुल सही कह रहे हो, टू से छोटी कोई भी ले लो आप। अच्छा, अब आपने कहा चलो वन, तो देखो हमने टीचर को क्या दिखाया, देखो जी हम ले रहे हैं वन, टीचर कहेगा आप बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि कोडोमेन में है वन। अब आपने एक्स निकाला, इसका एक्स आ गया अंडर रूट माइनस वन। अब बताओ वन की प्री इमेज क्या आ रही है, वन अगर डोमेन कोडोमेन में है तो ये तो प्लस माइनस आयोटा आ रही है बेटा, ये रूट माइनस वन तो आयोटा होता है, अब याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये रियल नंबर होता ही नहीं है। अब बताओ अगर मैं इसका ये बना लूँ ना, देखो जैसे एरो डायग्राम बना लूँ मैं, जैसे ये मैंने बना लिया ए और ये मेरा बी सेट है, ठीक है, यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, यहाँ से मैंने एक रियल नंबर पिक किया है कोडोमेन से और वो है मेरा वन। अब बताओ इस वन की प्री इमेज आपको इधर जाके क्या दिखाई दे रही है, वन की प्री इमेज निकाली हमने कितनी आ रही है, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। क्या यहाँ पे आपको प्लस माइनस आयोटा मिलेगा, ये रियल नंबर का सेट नो सर नहीं मिलेगा। नो सर, तो बस बात खत्म हो गई, इस वाले वन की कोई प्री इमेज नहीं है भाई, देख लो चाहे। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1 हैज नो प्री इमेज। अगर हम y की वैल्यू 1 ले रहे हैं जो कि कोडोमेन में शामिल है लेकिन उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, फिर आप लिखोगे देयरफॉर करके जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकती है ना, एंड देयरफॉर फिर आप लिखोगे फंक्शन इज इनटू, या तो लिखोगे नॉट ऑन टू या फिर लिखोगे फंक्शन इज इनटू। अब बताओ इस फंक्शन का एक सिंगल नेम क्या बोले, वन वन भी नहीं है, मैनी वन है, ऑन टू नहीं है, इनटू है, इस फंक्शन का एक एक कंप्लीट नेम बताओ, फंक्शन इज व्हाट, जब भी बोलेंगे वन वन इंटू, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू या वन वन ऑन टू ऐसे बोला जाएगा, तो इस फंक्शन का नाम हुआ मैनी वन इंटू क्योंकि ये मैनी वन है और दूसरी तरफ से ये इंटू आया। अच्छा अभी तो देखो ये फंक्शन ऐसा था, मैंने आपसे इसमें एग्जांपल पूछा, कई बार क्या होगा आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जो एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई ना करे, ऐसा भी होगा, मतलब कि फंक्शन ऑन टू होगा, उस केस में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सब लोग ये नोट कर लो जरा एग्जाम्पल, ओके ठीक है। अभी मैं आपको एक और फंक्शन देता हूँ, क्या सबने नोट कर लिया ये, Yes, तो वन वन के लिए देखो ये एल्गोरिथम हो गया, एक्स वन एक्स टू को लेंगे, एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आया बस और कोई साथ में कंडीशन नहीं आई तो फंक्शन आपका वो पक्का वन वन होगा। चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ट्राई करो आप सब लोग, सेकेंड क्वेश्चन है, फंक्शन का डोमेन सारे रियल नंबर हैं और को डोमेन भी सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, और फंक्शन है आपका आंसर देते हैं चलो 3x+2। पहले आप मुझे चेक करके बताओ ये इंजेक्टिव है या नहीं है, पहला काम
पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करो, 1-1 है या मैनिगा, 1-1 है, ठीक है, मतलब आपका x1 x2 के इक्वल आ गया होगा। तो इसमें कोई एग्जांपल सोचने की अब जरूरत भी नहीं है, अगर आप एग्जांपल सोचोगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं कि दो डोमेन पे रेंज सेम मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। फिर भी मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, देख लो आप सब लोग देख लेना भाई। पहले आपने दो नंबर लिए x1 x2 जो बिलोंग करेंगे किसी भी रियल नंबर को, फिर आपने क्या लिखा fx1 इक्वल टू fx2 ले लेके चलते हैं। fx1 पे रेंज हो गई आपकी ये 3x1 प्लस 2, उधर से रेंज हो गई 3x2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बची हुई इक्वेशन को सॉल्व किया तो x1 x2 के इक्वल आ गया। जैसे ही इक्वल आया आपने बोल दिया देयरफॉर फंक्शन इज 1-1। तो चलो ये 1-1 तो हो गया भाई, ठीक है। अब जरा ऑन टू चेक करो, ऑन टू का एल्गोरिथम स्टार्ट करो। मैं यहीं से लिख देता हूँ, देखो ऑन टू है। अब इसको लिखना कैसे मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आपने रेंज को y मान लिया, आपने कहा इक्वेशन की जो रेंज है ये 3x प्लस 2 ये y के इक्वल है, ये आपने इसको y पुट कर दिया। फिर आपने क्या किया x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये होगा y को कोई ऐसा नंबर सोचो, एक तो वो रियल हो, पहले तो ये बात सुन लो क्योंकि y आपका इसमें से बिलोंग करेगा रियल नंबर से, कोई ऐसा रियल नंबर हो जिसमें से हम 2 माइनस करके जब 3 से डिवाइड करें तो ये पूरी फिगर सॉल्व करने के बाद रियल नंबर ना आए, ऐसा कोई नंबर सोचो। सोचो ना, देखो किसी रियल नंबर में से आपने 2 माइनस किया तो रियल ही रहेगा, और रियल को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रियल ही तो रहेगा। सोचो y कुछ ऐसा नंबर है ही yes. है ना। अब आपने देखो इस लैंग्वेज को लिखना कैसे है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप ऐसे लिखेंगे, कोई एग्जांपल सोचने की जरूरत नहीं है, ये पक्का रियल आएगा। इफ आप लिखोगे देखो जी अगर y कोई रियल नंबर पुट किया गया देन तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, तो x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो रियल नंबर को बिलोंग करती होगी। इसका मतलब क्या है, जितने वाई आप पुट करते जाओगे ना सबके लिए कोई ना कोई एक्स आता चला जाएगा, जितने पुट करोगे सबका एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट फोर डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप फिर लिखोगे देयरफॉर जो रेंज होगी वो फोर डोमेन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि फोर डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे उसका कोई ना कोई एक्स आ जाएगा। तो आपने लिखा देयरफॉर रेंज इक्वल टू फोर डोमेन एंड सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिख के आना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं देखो, आपको बताऊँ मैं बोर्ड कभी से मैं चेक करता हूँ तो x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं y माइनस 2/3, उसके बाद कुछ नहीं बताते क्या करा है, सीधा लिख देते हैं फंक्शन इज ऑन टू। अरे भाई क्यों ऑन टू, कुछ तो जवाब दो। आपने लिख दिया ऑन टू, किस बात पे ऑन टू, तो आपने क्या बताया अगर हम y को कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो रियल होगी। तो जितने इसमें y होंगे ना रियल नंबर में उन सबका कोई ना कोई x होगा, सबका होगा, इसलिए आपने लिखा रेंज को डोमेन पे इक्वल हो गई है भाई, और इसमें फंक्शन आपका ऑन टू है। यस yes, तो इस फंक्शन का नाम बताओ फाइनली मिश्रा, ठीक है, इस फंक्शन का देखो अगर आप यस बेटर नेम ये रहेगा इसका 1-1 ऑन टू। और अगर आप ऐसे बोलोगे ना इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को, फिर ऐसे बोलना पड़ेगा आपको इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, इन टू को ऐसा कोई नेम नहीं बोलते, जैसे ऑन टू माने सर्जेक्टिव हो गया ना, तो इन टू का कोई ऐसा नेम नहीं है जो एक्टिव में होता है, मतलब एक्टिव में कुछ नेम होता है, तो या तो आप ऐसे बोलो पर ये तो हुआ है सब्जेक्टिव सर्जेक्टिव कोई सॉरी ये 1-1 ऑन टू हो गया ना, सॉरी मुझे लगा नहीं ऑन टू, यस तो ये हो गया इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ बाइजेक्टिव। यस मेरे को बताना है बाइजेक्टिव क्या होता है, मैं आया था अगले पॉइंट पे, पहले आप बताओ सबको क्लियर हो गया एल्गोरिथम कैसे कैसे लिखना है एग्जाम में कॉपी में आपको। यस यस सर यस। अब हम ये बात समझते हैं, जब ये गौरिका ने बोली ये बाइजेक्टिव हो गया ये भी समझ लेते हैं। देखो जब आपका फंक्शन इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव यानी 1-1 एंड सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव यानी ऑन टू, तो ये दोनों हो गया, इंजेक्टिव भी हो गया सर्जेक्टिव भी हो गया, दोनों हो गया, और दोनों के लिए हम यूज करते हैं दो के लिए वर्ड बाय, BI बाय का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये होता है दुई, दुई माने दो होता है, द्विवचन,
दो ही रूप, तो ये दोनों हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है बाई, दोनों को मिलाकर मैं लिख दिया बाई और आगे लिख दिया जैक्टिव, तो इसलिए ये बाईजेक्टिव फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो इनका और सर को दोनों को बना दिया है इसने, इसमें इसको बाई बोला जा रहा है और आगे जैक्टिव। बाईजेक्टिव फंक्शन के प्लेस पर आप इस संधि विच्छेद को एक वर्ड में लिख सकते हो बाईजेक्शन। अब जब बाईजेक्शन लिखते हैं ना तो आगे फंक्शन मत लिख देना इसके, क्योंकि आपने इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करके बाईजेक्शन बोल दिया है। कुछ बच्चे बोलते हैं बाईजेक्शन फंक्शन है, तो उस बच्चे ने दो बार फंक्शन बोल दिया मुझे, बाईजेक्टिव फंक्शन फंक्शन है ऐसे बोल दिया है ना, तो जब बाईजेक्शन बोलेंगे तो फंक्शन नहीं ऐड करेंगे, और जब बाईजेक्टिव बोलेंगे तो आगे फंक्शन लिखेंगे। तो इसका मतलब भाई अगर कोई फंक्शन बाईजेक्टिव है तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इंजेक्टिव भी होना चाहिए और वो सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। बोलो भाई क्लियर है सबको? अच्छा, अभी मैं आपको इसके भी फॉर्मुलेस बताऊंगा, कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं किसी डोमेन में, कितने सब्जेक्टिव बन सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, एंड आई रिपीट भाई केपीएस वाले बच्चे जरूर वो सेशन ज्वाइन कर लें, अगर जो केपीएस के बच्चे पढ़ रहे हैं इधर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके बहुत काम आएगा, वरना तो मैं खुद ही मना करेगा बच्चों को रहने को बेकार है। ओके सर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, इंग्लिश शुरू हो जाएगा। अनुकृति, हाँ ये इंजेक्टिव फंक्शन है बेटा, देखो इंजेक्टिव फंक्शन क्यों है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने इसको चेक करना है क्या ये वन वन होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है भाई एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई निकालते जाओ, एक्स को वन पुट किया फाइव आया, एक्स को टू पुट किया एट आया, एक्स को 0.1 पुट किया 2.3 आया, तो हर डोमेन पे हर बार एक नई रेंज मिलेगी, तो फंक्शन पक्का वन वन है। लेकिन टीचर को दिखाने का तरीका नहीं होता, हम क्या करते हैं दो नंबर लेते हैं x1 x2 इस डोमेन में से, x1 पे भी रेंज लेते हैं x2 पे भी रेंज लेते हैं, दोनों रेंज को देखो इक्वल पुट कर देते हैं, तो 3x1 plus 2 equal to 3x plus 2 3x2 plus 2 आ गया, plus 2 कैंसिल हुआ, सॉल्व करके हमारा x1 x2 के इक्वल आ जाता है, और अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये फंक्शन पक्का वन वन होगा। और अगर x1 x2 के इक्वल के साथ कुछ और भी कंडीशन आ जाती है, जैसे x1 equal to minus x2 आया था लास्ट क्वेश्चन में, तो इसका मतलब फंक्शन वो वन वन नहीं है, वो मैनी वन की कंडीशन ले रहा है, उसमें दो डिफरेंट डोमेन की सेम रेंज आ सकती है, इसलिए फंक्शन वन वन कह सकते हो या इंजेक्टिव कह सकते हो। गॉट इट? चलो अब आप मेरे को ये वाला फंक्शन बता दो, ये लो फटाफट से बताना, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन। अगर मैं इसको एग्जाम में डालता हूँ सपोज करो सीबीएसई बोर्ड में, तो मैं इसको 2 मार्क्स में डाल सकता हूँ, और पेपर को आसान करना होगा तो मैं इसी क्वेश्चन को 3 मार्क्स का कर दूंगा। सबको पता है ना ये क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? यस। चलो बता दो वन वन है या नहीं है। नहीं है। अच्छा कैसे बताओगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहोगे या एल्गोरिथम के थ्रू बताना चाहोगे? एल्गोरिथम। बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं भी एल्गोरिथम के थ्रू बताता हूँ। देखो x1 x2 दो रियल नंबर लिए, फिर मॉड x1 को मॉड x2 के इक्वल पुट कर दिया, और जब दो मॉडल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो वेरिएबल्स अंदर पड़े हुए हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन के साथ, x1 equal to plus minus x2 condition होती है, x1 x2 के equal भी आ रहा है, x1 minus x2 के equal भी आ रहा है, sorry equal आ रहा है, so therefore function one one नहीं है, function तो many one है, therefore function is many one। अब देखो अगर मैं आपकी जगह होता, मैंने तो आपका वाला कर दिया, तो मैं तो इसको ना ऐसे दिखाता टीचर को, मैंने कहा देखो जी साफ साफ बात है माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू पुट करने पे आंसर आएगा प्लस टू, प्लस टू पुट करेंगे, प्लस टू पुट करने पे भी आंसर आएगा टू, मैं तो यहीं से दिखा देता हूँ। फिर मैं बोलता देखो आपके सामने है माइनस टू टू के इक्वल नहीं है, डोमेन डिफरेंट है, लेकिन माइनस टू के रेंज सेम आ रही है, दोनों की रेंज टू आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन। 100% आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, दोनों मेथड में से कोई सा भी लगा दो। कोई बच्चे क्या करते हैं पहले तो ऐसे भी कर देते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, कहते हैं लो हम दोनों दिखा देते हैं,
ठीक है, तो ये तो हो गया भाई मैनी वन, वन वन तो है नहीं, चाहे मॉडलर से कर लो चाहे एग्जाम्पल लेके शो कर दो। चलो अब बात आती है भाई इसको ऑन टू कैसे चेक करेंगे, मैं टर्न करूँ पेज अगर ये क्लियर हो गया तो। यस यस। अच्छा अब ये मेरे को बताओ जरा आप, ये जो फंक्शन मॉडलर्स का फंक्शन होता है इसके आंसर्स क्या क्या आते हैं, आई मीन टू से रेंज क्या होती है इसकी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यस, इसकी रेंज होती है जीरो से स्टार्ट करके, जीरो भी आ सकता है इसका आंसर, इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर आ सकता है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए मॉडलर्स के बारे में। इसका आंसर कभी जीरो से छोटा तो आ ही नहीं सकता, मीन टू नेगेटिव नहीं आ सकता। अच्छा चलो ठीक है, अब जरा मुझे कोडोमेन बता दो, वो तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, मुझे रेंज और कोडोमेन चेक करना होगा, ये आर है, आप बता दो क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है? रेंज कहाँ है इक्वल कोडोमेन के, कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है और रेंज आएगी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये भी सोच के बता दो जरा ऐसे कौन से नंबर्स हैं कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज नहीं है, सोच के बताओ जल्दी से। नेगेटिव रियल नंबर। यस, जितने कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, देखो जैसे मान लो मेरा ये कोडोमेन है, मैं इस कोडोमेन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, कुछ होंगे इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कुछ होंगे इनके नेगेटिव रियल नंबर्स और एक जीरो भी होगा इसमें, तो इसमें इन सब की तो प्री इमेज मिल जाएगी आपको, है ना, क्योंकि ये तो रेंज है आर पॉजिटिव और जीरो। ये जो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे ना इनकी प्री इमेज आपको एक्स वगैरह ढूंढने हुए तो नहीं मिलेगा, सो देयरफॉर आप बोलोगे रेंज इक्वल टू नॉट कोडोमेन, और अपने ना थोड़ा सा आंसर को और इंटरसेप्ट करने के लिए ये भी लिख दोगे एंड देयरफॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन, जो कोडोमेन में होंगे हैव नो प्री इमेज, इनमें से किसी की प्री इमेज नहीं होंगी, सो देयरफॉर फंक्शन इज या तो लिख सकते हो नॉट ऑन टू या बोल सकते हो इन टू। तो देखो मैंने इसमें एल्गोरिथम नहीं लगाया, क्योंकि मैं एल्गोरिथम लगाता तो कैसे लगाता, मैं लिखता मॉड एक्स इक्वल टू वाई, फिर एक्स इक्वल टू मैं लिखता प्लस माइनस वाई, ऐसे को लिखते इसको। अब यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी चेक करते हैं आप, भी mod x अगर y होगा, हाँ आप नेगेटिव लेते y की वैल्यू, अगर आप y नेगेटिव लेते तो आपका जो x है वो पॉजिटिव आता, देखो y रेंज है ना इसकी, y इसकी रेंज है, रेंज इसमें से कुछ भी हो सकती है, और आपको मालूम है कि रेंज कभी इसमें y को आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते क्योंकि रेंज तो इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप y को पुट करते कोई भी, देखो x इक्वल टू y भी है और x इक्वल टू माइनस y भी है, अगर आप यहाँ पे y को पॉजिटिव पुट करोगे कोई भी रियल नंबर तो x भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप y को पॉजिटिव पुट करोगे तो यहाँ से x नेगेटिव भी आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए y पॉजिटिव आएगा, है ना, तो ये एक्सप्लेन करना बहुत टफ जॉब हो जाती है हमारे लिए, इसलिए हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया ही नहीं, ना टीचर हमारी बात समझ पाते, इसलिए हमने ऐसे बताया सीधी सीधी भाषा में, हमने कहा देखो जी रेंज है इसकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो भी है, और कोडोमेन में दे रहे हो आप हमें कैपिटल आर, तो रेंज कोडोमेन के बराबर तो आनी रही है, और हमने एक बात और समझा दी कि जितने नेगेटिव रियल नंबर हैं कोडोमेन में इनमें से किसी की प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इस फंक्शन का एक नाम तो बता दो जरा। मैनी वन इनटू फंक्शन। यस, ये फंक्शन जो है ये मैनी वन इनटू है, बताओ भी सबको क्लियर हुआ टॉपिक ये? यस सर। तो मैं अभी क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, एक्चुअली वो स्टार्ट हो चुकी है वेबिनार, परसों डिस्कस और करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे इसके, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद सर, टेक केयर ऑल, ओके।